हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सभी लोग जो LPN टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं और जो लोग RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे, तो सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से स्टार्ट करें RRB जो NTPC है और ग्रुप डी के लिए, ठीक है? तो इंतज़ार बिल्कुल ना करें, टाइम नहीं है। आपने देखे होंगे आज बहुत से वीडियो भी आपको देखने को मिल गए होंगे कि NTPC की वैकेंसी के लिए हमारी चर्चाएं स्टार्ट हैं, चल रही हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि आपको जुलाई में ही जो है आपको NTPC की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और जुलाई से सितंबर तक आपको ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक? तो बिल्कुल हमको प्रिपेयर रहना है। हम लोग आज जो हमारा ग्रुप डी रहता है इसके लिए हम लोग सिलेबस प्लस हम लोग बुक की बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी। और वास्तव में जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आप अगर ये बुक इतनी ही पढ़ लेते हैं तो आपको आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है? कोई और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरा वीडियो देखें और देखिए जानकारी जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है? आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? हाँ, तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, सिलेबस मोटा मोटा देखिए हमारा क्या रहता है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट रहेंगे, ठीक? स्टार इसलिए लगा है कि जो हमारे PWD वाले होते हैं उनको 120 मिनट मिलते हैं, ठीक है? जो हमारे फिजिकली विकलांग कहते हैं हम लोग, हैंडीकैप्ट होते हैं, ठीक है? देखिए आपका जो जनरल साइंस है वो 25 मार्क का रहेगा, विज्ञान आपकी साइंस आपकी 25 मार्क की रहेगी रहेगी, मैथमेटिक्स आपका 25 करेगा, लेकिन रीजनिंग आपको यहाँ पे 30 नंबर की देखने को मिल जाएगी। तो रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है, इसका मतलब वेटेज अच्छा है, तो आप अच्छे से पढ़ें इसको। दूसरा हमारा जो करंट अफेयर है और GK है वो सारी चीज़ हमारी 20 मार्क की है। सारे मार्क को अगर हम लोग जोड़ लें तो हमारे क्वेश्चन भी 100 होंगे और नंबर भी 100 होंगे, ठीक? तो ये तो हमारा मोटा मोटा एक सिलेबस के सेक्शन है। डिटेल में सिलेबस के टॉपिक जो वगैरह हैं वो सब नीचे दिए गए हैं, आप वीडियो को रोक करके पढ़ लें। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि हम जो बुक यहाँ पे बता रहे हैं तो वो जो है प्रैक्टिस के लिए भी और आपकी जो है पूरी तैयारी के लिए भी, ठीक है? कंबाइंड बुक बताएंगे सारे सिलेबस की, एक ही में सब कुछ है, एक ही बुक में सब कुछ है। मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका अब जनरल अवेयरनेस हो, सभी की, ठीक? बाकी जिन लोगों के पास मैथ की बुक अलग है, रीजनिंग की बुक अलग है और GK GS के लिए अलग बुक है, साइंस की अलग बुक है, तो बहुत बढ़िया, वो लोग अपना पढ़ें। देखो LP वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, बुक परचेस कर चुके होंगे वो लोग भी, वो तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है ग्रुप डी के लिए, वो वही जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें, उनको और कुछ नहीं टेंशन लेना है, बिल्कुल वही पढ़ते रहें। NTPC में जो लोग अप्लाई करेंगे, LP एंड टेक्नीशियन वाले हैं जो लोग NTPC के लिए चाह रहे हैं, तो वो भी वही पढ़ते रहें अभी। बस ये है कि थोड़ा GK का पोर्शन ज़्यादा अगर पढ़ पाएँ तो वो पढ़ लें, ठीक है? बाकी तो आप वही तैयारी करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग बिल्कुल NTPC और ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है आपके पास रीजनिंग की बुक अलग है, मैथ की बुक अलग है और आपकी साइंस की बुक अलग है, तो आप क्या करो कि उन्हीं बुक से क्या करो, वो बुक जिसे आपके पास किसी और सब्जेक्ट की मतलब किसी और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आप परचेस किए हो सकते हैं, SSC के लिए आप फिर किसी और के लिए अग्रवाल वगैरह की हैं तो वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो उसमें काम आती है, SD यादव की है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें काम आएंगी, बट उसमें कुछ सिलेबस ज़्यादा होंगे, तो जो यहाँ पर सिलेबस मतलब टॉपिक ज़्यादा होंगे, वहाँ पर चैप्टर ज़्यादा होंगे, मतलब तो यहाँ पर जो चैप्टर दिए हैं वो चैप्टर जो है आप उसमें टिक कर लें और उसी बुक से तैयारी कर लें, कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो चाहे कोई भी बुक हो आपके पास मैथ और रीजनिंग की, तो आप क्या करना, यही जो चैप्टर है उनको टिक कर लेना और उसी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपकी ख़त्म हो गई। बाकी जो लोग एक ही बुक ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए हम एक ही बुक दिखाएंगे, ठीक? और उसके बाद हमें क्या प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक चाहिए वो हम बता दें। देखो जिनके पास मैथ रीजनिंग की बुक साइंस की पहले से ही है तो वो जो है कि आप प्रैक्टिस वाली पिछले साल जो हमारे पेपर हुए थे वो प्रीवियस ईयर वाली बुक खरीद लें, बाकी और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। जनरल इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग का है सिलेबस, ये साइंस का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड का रहेगा,
जनरल अवेयरनेस में देख लें आप, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी देख सकते हैं कि जो लड़के होते हैं इनको 35 किलो का वजन लेकर के और 100 मीटर की देख तरीके से दौड़ समझ लो या थोड़ा तेज तेज चलते हैं, 2 मिनट में आप मतलब उसको क्रॉस कर दो, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को वजन में छूट मिल जाती है, वजन इनको 20 किलो दिया जाता है। दौड़ की अगर बात करें तो लड़कों को 1000 मीटर दौड़ना पड़ता है 4 मिनट 15 सेकंड में। 15 सेकंड तो आप मान के ना चलो, 4 मिनट पूरे मान लो, ठीक है, तो 4 मिनट में आपको 1000 मीटर, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन यार अपना जो है करके ज़रूर देखा करो, अभी से चेक कर लिया करो कि हम निकाल पाते या नहीं निकाल पाते, ठीक है। वहाँ देखो वहाँ पर एक ही चांस मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको तैयार रहना है, 4 मिनट 3:30 में आप यहाँ से निकाल लिया करो, ठीक है। और लड़कियों को जो है इतनी दौड़ है जो 5 मिनट 40 सेकंड, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, तो वो भी जो है फिर भी लड़कियां हैं तो उनको अपने उनको भी तैयारी अभी से रखनी चाहिए इस चीज़ की। तो ये थोड़ा हमारे फिजिकल एफिशिएंसी की बात हो गई, यही होता है, इतनी होता है। हम लोग अब थोड़ा बुक की बात कर लें, सिलेबस भी देख लिया हम लोगों ने। देखिए ये जो बुक है हमारे सामने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ये एक तरीके से आपकी गाइड है, संपूर्ण इसमें पैकेज रहेगा, जितना आपका सिलेबस होता है पूरा सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा, उसका चैप्टर मिलेगा और चैप्टर के साथ में उसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। सारा यहाँ पे सारे विषय यहाँ पे रहेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, तो उसके क्वेश्चन भी मिलेंगे और पूरा हमको थ्योरी भी मिलेगी, ठीक। तो बढ़िया बुक है, लेटेस्ट बुक है, आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरिहंत की है, बढ़िया बुक है, इससे तैयारी कर लें। और जिनके पास अलग अलग मैथ रीजनिंग साइंस अलग अलग हैं जो भी, तो वो भी उससे करें, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस के लिए हम बताएंगे अभी कौन सी बुक लेनी है। हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं यहीं पे बता दूँ, पहले इसका प्राइस थोड़ा बता दूँ, इसका प्राइस जो है वो हमारा 300 के आसपास होगा, 363 है, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजान वगैरह पर अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। तो ये बुक हो गई हमारी प्रैक्टिस के लिए, अरिहंत का ही देखो, ये लेटेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ 2024 में जो पब्लिश हुई है वो बुक, ठीक। तो ये इसमें 35 साल्ड पेपर रहेंगे 2018 से 2022 तक के रहेंगे, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद सकते हैं। और वो बुक जो है हम पूरा अपना सिलेबस करने के लिए, अपने कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए यहाँ से हम लोग समझेंगे, ये बुक जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है, ठीक, वो हमको पेपर की पूरी नेचर समझ जाएंगे यहाँ से। तो दोनों बुक अगर हम ले लेते हैं तो हमारा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, इतना ही पढ़ लो बहुत है, समझ गए, ठीक। दूसरी हमारे पास ऑप्शन और है, देखो सब लोग चाहते हैं कि अरे यार कोई दूसरा ऑप्शन हो, तो देखो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, हाँ आर गुप्ता की बुक है, बिल्कुल न्यू पब्लिकेशन है, न्यू लेटेस्ट बुक है आपकी, पब्लिकेशन अच्छा है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बुक छापता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर गुप्ता की अच्छी बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये भी एक गाइड है, ठीक है, ये इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज फिर उसके क्वेश्चन भी हमको एक्सरसाइज भी मिलेगी, तो ये बुक है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो यहीं पे अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं, और जिन लोगों ने खरीद ली हो वो अच्छी बात, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, नहीं तो वही बुक प्रैक्टिस के लिए जो हमने बताई थी अरिहंत की वो ही ले सकते हैं, और या फिर ये वाली भी ले सकते हैं, ये सारे में काम करती है। देखो इसमें पिछले साल के जो भी क्वेश्चन आए होते हैं, चाहे वो हमारे NTPC में पूछे गए हों, चाहे ग्रुप डी में पूछे गए, चाहे JEE में, चाहे LPN टेक्नीशियन में पूछे गए, सारे प्रश्नों को इस बुक में लिया गया है, और चाहे वो रीजनिंग हो चाहे हमारा कुछ भी हो, सब सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें लिए गए, साइंस रीजनिंग मैथ और आपका जो है सामान्य अध्ययन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस सबको लिया गया है। तो हम लोग ये बुक भी खरीद सकते हैं, थोड़ी सी ये महंगी बुक होगी, मैं अभी दिखा देता हूँ, फिलहाल मैं इसका प्राइस तो नहीं ले पाया हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 400 के आसपास बुक है, मुझे याद है, ठीक है, तो वो देख लेना आप, ये ले सकते हैं। और दूसरा ग्रुप डी हमने ये बता ही दिया है, ठीक। और अगर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक हमारे सामने है, देखो इससे हम लोग प्रैक्टिस ही कर ही करेंगे, बाकी हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है तो हमारे पास जो है अरिहंत की या फिर वो आर गुप्ता की वो बुक होनी चाहिए, सिंगल बुक है। अलग परचेस करना चाहते हो अलग अलग सब्जेक्ट का,
तो अलग अलग आपके पास हैं तो अच्छी बात, नहीं अलग अलग भी परचेस कर सकते हो। और वो अगर आप अलग अलग परचेस करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, देखो अब यहाँ पे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक सही है या फिर अलग अलग खरीदें वो ज़्यादा सही है। मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप जो है सिलेबस को देख लो कि आप कितनी जल्दी कवर कर पाते हो। देखो पहली तो बात ये है कि जैसे हमने सिंगल बुक खरीद ली और सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, सारे क्वेश्चन लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको लगता है कि थोड़ा बुक इनसफिशियंट मटेरियल है, तो वो क्या होगा, जैसे हम जो पिछली साल वाले करेंगे ना, तो यार सब आपका फुलफिल हो जाएगी, जो कमी रह जाएगी वो आपकी दूर हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक ही बुक ले लेते हैं। हाँ ऐसा होता है कि जैसे हम एक सिंगल बुक लेते हैं तो उसमें मटेरियल थोड़ा कम रहता है, लेकिन थोड़ा भी मटेरियल है वो हमारा कम्प्लीट हो, वो कम्प्लीट हो जाएगा, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो हम उसी से पढ़ लें और फिर उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो जो हम प्रैक्टिस के लिए जो हमने बुक बताएंगे वो आपकी कमी को पूरा फिनिश कर देंगे, कम्प्लीट फुलफिल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अलग अलग पढ़ना चाहते हो अलग अलग भी खरीद सकते हैं, और अलग अलग अगर आप चाहते हैं ख़रीदना और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, हम अलग अलग सब्जेक्ट पर भी बुक ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है, आप कमेंट करें, लेकिन बढ़िया कौन है, अलग अलग या फिर ये। हाँ आपको अलग अलग में थोड़ा सा आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, मटेरियल ज़्यादा मिल जाएगा, बस ये। लेकिन यार अगर हम थोड़ा समय हमारे पास है, हम तैयारी को जल्दी करना चाहते हैं, जो बुक हमने बताया उन्हीं से कर लो आप, नो प्रॉब्लम, सलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो, ठीक है, चीज़ों को सीख लेते हो। पढ़ने से मतलब नहीं कि ये सीखनी होती है ना, ठीक। तो ये बुक थी हमारे पास, ये जो है किरण पब्लिकेशन की, ये भी हमारी जो है 360 की बुक है, तो इतनी बुक आपके लिए काफ़ी है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंच जाए। और जाते जाते हम एक बात और बताएंगे कि जो 10th वाले कैंडिडेट हैं वो भी जो है अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास आईटीआई नहीं है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, तो परेशान बिल्कुल ना हो। देखो 3 डिपार्टमेंट हमारे हैं, एक स्टोर वाला है, एक आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, एक आपका ट्रैफिक है। ये 3 डिपार्टमेंट में सिर्फ जिनके पास 10th है और आईटीआई है, मतलब या तो 10th या आईटीआई वाले तो हर जगह अप्लाई कर लेंगे, चाहे जितना डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है हमारा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हमारा होता है, तो वो सारे और जो हमारे स्टोर वगैरह हैं ये वाले डिपार्टमेंट हर जगह, आईटीआई वाले तो हर जगह अप्लाई कर लेंगे, लेकिन 10th वाले जो है 3 में, स्टोर में, मेडिकल में और ट्रैफिक वाले डिपार्टमेंट में, ये लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब एक बात और बता दूं कि सर क्या ये स्टोर और हमारा ट्रैफिक और इसमें वैकेंसी अच्छी आती है? हाँ बढ़िया वैकेंसी आती है, स्टोर में सबसे अच्छी वैकेंसी है, सॉरी ट्रैफिक वाले में सबसे अच्छी वैकेंसी आती है। थोड़ा थोड़ा जो स्टोर है या फिर हमारा मेडिकल असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है, मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होती है, वो वैकेंसी थोड़ी सी कम होती है, तो आप टेंशन ना लो, 10th वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, बट 10th वाले जो हैं वो ज़्यादा तैयारी करें, इनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा लाइक तो ज़रूर कर दें यार, लाइक में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है मतलब ऐसे ही नोटिफिकेशन इन फ्यूचर आपको मिलते रहें, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे पढ़ाई करते रहिए, और जो बताया उस पर थोड़ा जो है अपना ध्यान देना और जल्दी से पढ़ाई करना ताकि नौकरी मिल सके हमको 2024 में, ठीक। तो मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।